नमस्कार, मैं आशुतोष शुक्ला और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले त्योथर तहसील में पहुंचा हूं। यहां पर राजापुर ग्राम में त्योथर पचामा को जोड़ने वाली एक सड़क है, जिसमें प्रतिदिन यहां के आला अधिकारियों के साथ साथ अधिवक्ता, किसान, गांव के बच्चे, स्कूल के बच्चे, सभी का आवागमन होता है। लगभग डेली 15 से 20 हज़ार लोगों का आवागमन होता है। इस रोड में लगभग 3 महीने से निर्माणाधीन है ये रोड। यहाँ पे काम चल रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ समस्याएं इस सड़क को निर्माण करने में हो रही हैं, क्या कुछ व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। सबसे पहले सर आपका परिचय। मैं कृष्णजी तिवारी, मैं एक किसान हूँ और यही बगल की मेरी ज़मीन है और मैं यही इस रोड से निरंतर आता जाता रहता हूँ। कि पिछले 3 महीने से इस रोड में काम लगा हुआ है और सिर्फ गिट्टी डाल दी जाती है, बगल में गड्ढे खोद दिए गए हैं रोड में, मापदंड के विपरीत ठीक बगल में 5 फीट गड्ढा खोद दिया गया है। और इस कारण से ना रोड रोलर चलाया गया, ना कभी पानी का छिड़काव करा गया। जो बच्चे आते हैं वो निरंतर, बच्चियाँ आती हैं वो साइकिल से चलती हैं, गिर जाती हैं गिट्टी के कारण। ना तो कोई बोर्ड लगा है, ना तो कोई पानी का छिड़काव हो रहा है, ना कोई देखने वाला। आज तक ना SDO आया, ना सब इंजीनियर आए, ना कोई भी नहीं आ रहा है। बोकस रोड बनाई जा रही है, गिट्टी का भी जो इस्तेमाल किया जा रहा है, गाड़ी चलने से वो डस्ट बन जाती है, इतनी घटिया गिट्टी है। इस विषय में आप लोगों ने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं तहसील के, जिले के, उनको ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की है? जी, कई बार उनको पत्र के माध्यम से और अधिवक्ता संघ ने ज्ञापन के माध्यम से उनको जानकारी दी है कि रोड की व्यवस्था नहीं होती है, आप इसका निरंतर निरीक्षण करें। लेकिन शायद SDO साहब या तो उनका कोई व्यक्तिगत लाभ होगा, आज तक कोई सब इंजीनियर या SDO देते हैं, लेकिन ठेकेदार कभी नहीं आया। एक JCB मशीन बस चल रही है और एक डंपर, इसी गिट्टी को उखाड़ते हैं और इसी को पार्ट करके गाड़ियाँ जब चलती हैं तो बैठ जाती हैं। रोड रोलर का इस्तेमाल तो हुआ। हमारे साथ पूर्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, जो लगातार अपने संघर्षों के लिए जाने जाते थे, संघ अध्यक्ष ब्रह्म नारायण शर्मा जी हैं। मैं इनसे भी जानूंगा कि क्या कुछ समस्याएं हैं इस रोड के निर्माण में। देखिए, रोड जो बन रही है ये राजापुर त्योथर रोड, इसमें भीषण अनियमितता है। ये रोड प्राकलन के तहत नहीं बन रही है, बल्कि ठेकेदार की मर्जी के मुताबिक बन रही है और ठेकेदार और विभागीय अधिकारी सभी मिली भगत के कारण स्थिति बन रही। जो ये खेत खुदाई के बाद चल रही थी, रोड के बगल से यह खेत हमारा खेत है और जहाँ बिना हमारे अनुमति के गड्ढा खोद दिया गया, उसकी मिट्टी निकाल करके रोड में डाल दी गई, जबकि एस्टीमेट में प्रावधान है कि जहाँ मिट्टी की आवश्यकता होगी वहाँ से मिट्टी ला करके इसका निर्माण करेंगे। दूसरा, बोर्ड न होने के कारण आज तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि इस रोड की लागत क्या है, किस कार्य के लिए कितनी राशि स्वीकृत है, इसीलिए ठेकेदार ने इसे छुपाया है। तीसरी बात ये कि स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन भी चुनाव होने के कारण एकमात्र रोड ये है राजापुर त्योथर को जोड़ने वाली, जो डभौरा से लेकर के और यहाँ त्योथर तक स्कूल, कॉलेज, न्यायालय, अस्पताल सब कुछ त्योथर में होने के बावजूद आज तक रोड का निर्माण घटिया स्तर पर कराने में पूरा विभाग जुटा हुआ है। स्थानीय प्रशासन मौन है, यहाँ तक कि जिला प्रशासन भी मौन है। मैं माननीय कलेक्टर महोदय का और रीवा संभाग के आयुक्त महोदय का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि तत्काल इस रोड का निर्माण कराया जाए। रोलर के नाम पर कुछ चला नहीं, आज तक रोलर टिका नहीं, पानी का छिड़काव न होने के कारण धूल इतनी ज़्यादा है कि बच्चियों के गले में फंस रही है, फेफड़े में जा रही है और आए दिन क्षय रोग से, TB के रोग से और दमा के रोग से लोग पीड़ित हो जाएंगे, इससे तत्काल कार्रवाई की मांग। आपने देखा कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ था और सर आप लोग इस रास्ते से प्रतिदिन आवागमन करते हैं, क्या कुछ समस्याएं हो रही है? मनोज सिंह आना जाना होता है। पहले आपका परिचय बताएंगे हमारे दर्शकों को। मेरा नाम, मैं अधिवक्ता हूँ, मेरा नाम मनोज सिंह गहरवाल है। इसी रोड से जाना आना डेली होता है, मेरा गाँव है पास में 5 किलोमीटर वाले। सबसे बड़ी बात होती है किसी निर्माण से पहले उसकी टाइमिंग चेक की जाती है, इसका निर्माण कार्य इसके जीवन पूरा किया जाए। जहाँ तक अभी कहना ये हुआ कि 3 महीने से निर्माण कार्य चालू है, अभी तक 3 महीने में कम से कम 40 उदाहरण मेरे पास ऐसे हैं जिनका हाथ पैर टूट गया इस रोड का, केवल इस गिट्टी की वजह से। यहाँ पे 40 mm के बाद नियमतः 20 mm डाली जाती है, फिर डामरीकरण के लिए तब प्रोसेस होता है, डामर पानी सारी प्रक्रिया तो कुछ हो नहीं रही है। अभी तक
कितने लोग यहाँ पे गिर चुके हैं कि जिसकी कोई क्या बताए। एक दिन मैं खुद बाइक से गिर गया था फिसलकर, जिसको एक आदमी थे उनकी इतना चोट लगी पूरा पैर का। आपने देखा कि मैं अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ साथ लोगों की समस्याओं को आपके साथ बताया। लोगों ने बताया कि रोड की वजह से काम चल रहा है लेकिन लोगों को गुणवत्तापूर्ण नहीं बन रही है। कहीं ना कहीं इसमें आला अधिकारियों की कमी है, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की कमी है, जिसकी वजह से इस रोड में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठेकेदार के द्वारा मनमानी काम किया जा रहा है। मैं जल्द ही आप लोगों को इस सड़क से संबंधित आला अधिकारियों से रूबरू कराऊंगा कि उनका क्या कहना है इस पूरे संबंधित विषय पर। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन प्रशांत शुक्ला के साथ मैं हूं आशुतोष शुक्ला का खबरदार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।